मूवी की शुरुआत कनाडा में होती है, जहां गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी के भी दूसरे बच्चे के जन्म पे बैन लगा दिया है। अगर किसी का पहला बच्चा मर भी जाता है, उसे भी दूसरा बच्चा पैदा करने की परमिशन नहीं है। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर पूरी तरह गार्ड से भरा हुआ है। स्पीकर से एक आवाज़ बॉर्डर क्रॉस करने वाले को अपना सारा सामान इंस्पेक्शन रूम में चेक कराने के लिए कहती है। आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर जॉन ब्रेनिक और उसकी वाइफ कैरन ब्रेनिक एक कार में है और कुछ देर में ही इनका इंस्पेक्शन भी होने वाला है। ये कपल बड़ा घबराया हुआ लग रहा है। जब कैरन थोड़ा हिलती है, ये देखा जा सकता है कि उसने अपने कपड़ों के अंदर एक मैग्नेटिक वेस्ट पहना हुआ है। यहाँ बताया जाता है कि कैरन प्रेग्नेंट है और वो लोग अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए वैंकूवर जा रहे हैं। पहला बच्चा होने के बाद गवर्नमेंट ने सभी औरतों की तरह कैरन को भी एक इंजेक्शन दे दिया था ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए, पर उस इंजेक्शन ने काम नहीं किया और वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने कपड़ों के अंदर मैग्नेटिक वेस्ट अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए पहना है। उनके इंस्पेक्शन सेंटर में पहुंचते ही गार्ड्स उन्हें अपने सामान के साथ कार से बाहर आने के ऑर्डर्स देते हैं। एक गार्ड कैरन के बैग को चेक करता है, तभी उसके सामने एक दूसरी औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैरन जैसे ही स्कैनर से गुजरती है, उसका मैग्नेटिक वेस्ट काम करने लगता है, जिस कारण ये पता नहीं चल पाता कि वो प्रेग्नेंट है। ये कपल सेफली बाहर निकल जाता है, पर पास खड़ा एक गार्ड कैरन के मैग्नेटिक वेस्ट को देख लेता है। वो फिर एक इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और बाकी गार्ड्स इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जॉन उन्हें मार के पीछे छोड़ देता है। वो कैरन के साथ ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स बुरी तरह उनका पीछा करने लगते हैं, जिसे देख जॉन कैरन से कहता है कि अगर बच्चे को बचाना है तो तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। ये सुनते ही कैरन अकेले ही वहाँ से भागने लगती है। जॉन को जल्दी अरेस्ट कर लिया जाता है, पर कैरन वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। अगले सीन में जॉन और बाकी कैदियों को एक गाड़ी में दिखाया जाता है, जिन्हें फोर्ट्रेस नाम की जेल में ले जाया जा रहा है। ये एक प्राइवेट जेल है, जहाँ की सिक्योरिटी दुनिया के किसी भी जेल से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और इस जेल को मेंटल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी हैंडल करती है। फोर्ट्रेस एक डेजर्ट के बीचों बीच बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ से भागना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे ही कैदी बिल्डिंग पे एंटर होते हैं, गार्ड्स उनके कपड़े उतार के उन्हें अच्छे से चेक करते हैं। स्पीकर से आती एक आदमी की आवाज़ कैदियों का फोर्ट्रेस में वेलकम करती है। वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम पो है और वो वहाँ का डायरेक्टर है। कैदियों को फिर एक दूसरे रूम में ले जाया जाने लगता है, जहाँ सभी के मुंह में एक डिवाइस डाला जा रहा है। वो डिवाइस उनके पेट में जाके फिट हो जाएगा और तब एक्टिवेट हो जाएगा जब एक कैदी कोई भी रूल तोड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम जेल वालों ने इंटेस्टिनेशन रखा है। पो ये अनाउंस करता है कि इस डिवाइस के इंस्टॉल करते ही अगर कोई भी कैदी येलो लाइन को क्रॉस करेगा तो उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगेगा, और अगर कोई कैदी रेड लाइन को क्रॉस कर लेता है तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। ये सब सुन के एक कैदी बहुत घबरा जाता है और येलो लाइन को क्रॉस कर देता है। ऐसा करते ही उसके पेट में ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है। वो गलती से रेड लाइन को भी क्रॉस कर देता है, जिस कारण उसका पेट फूलने लगता है और कुछ देर बाद ही फट जाता है। इसके बाद बाकी कैदियों को एक लिफ्ट में भेज दिया जाता है, जो ज़मीन के नीचे जा रही है। यहाँ ये बताया जाता है कि उनकी जेल ज़मीन के नीचे 30 फ्लोर में बनी हुई है। जॉन और नीनो गोमेज नाम के एक कैदी को एक फ्लोर पर उतार दिया जाता है, जहाँ Z10 नाम का एक डिवाइस उनका वेलकम करता है और उन्हें बाकी कैदियों के पास ले जाता है। वहाँ पहले से रह रहा स्टिग नाम का एक कैदी जेड पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे नए लोगों को रखने की और जगह नहीं है, और ये सुनते ही जेड स्टिग को इंटेस्टिनेट करने की धमकी देने लगता है। उनके सेल में लेज़र बीम्स लगी हुई है, जो कि कैदियों को बाहर भागने से रोकती है। वहाँ पे जॉन डीडे नाम के एक दूसरे कैदी से मिलता है। सोने से पहले एब्राहम नाम का एक कैदी जॉन से सोते समय सपने ना देखने के लिए कहता है। सबके सोने के बाद जेड कैदियों को चेक करने आता है, और जैसे ही जॉन का फेस स्कैन करता है, उसे दिखने लगता है कि जॉन क्या सपना देख रहा है। जॉन सपने में अपनी वाइफ कैरन के बारे में सोच रहा है। मॉनिटरिंग रूम में वो भी जॉन के सपने को देख रहा है, और उसे वही कैरन से प्यार हो जाता है। वो जॉन को ये याद दिलाता है कि इस जेल में सपने देखना मना है। फिर वो जॉन को उठा भी देता है। एकदम से जॉन के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसे भी इंटेस्टिनेट कर दिया गया है। अगले दिन सभी कैदियों को एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाया जाता है। यहाँ पर मैडॉक्स नाम का एक कैदी नीनो को परेशान करने लगता है, लेकिन जॉन मैडॉक्स से लड़के नीनो को बचा लेता है। जेड उन सभी के पेट में लगे डिवाइस का यूज़ करके लड़ाई रोक देता है। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटे से सेल में डाल दिया जाता है, जो लेज़र से घिरा हुआ है। उनसे पूछा जाता है कि लड़ाई किसने शुरू की थी। नीनो मैडॉक्स से बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। नीनो को बचाने के लिए जॉन ये झूठ कह देता है कि लड़ाई उसी ने शुरू की थी। जॉन को फिर पो के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पर इब्राहिम पो की शेविंग कर रहा है। पो जॉन को कैरन का एक लाइव वीडियो दिखाता है, जिसमें वो नहा रही है। यहाँ बताया जाता है कि जॉन को अरेस्ट करने के कुछ देर बाद ही
करण को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उसे भी इस जेल में बंद कर दिया गया है। इसके बाद पो जॉन को पनिश करने के लिए करण और जॉन दोनों को इंटरस्टिनेट कर देता है, जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। बाद में इब्राहिम जॉन से कहता है कि फ्लोर ए और बी में औरतों को रखा जाता है, जिसका मतलब है कि करण वहाँ पर हो सकती है। इसके बाद करण को अपने सेल में एक दूसरी प्रेग्नेंट लड़की से बात करते दिखाया जाता है। जैसे ही उसके पेट में दर्द शुरू होता है, दो गार्ड्स उस औरत को वहाँ से ले जाते हैं। औरतों के इस जेल में सभी प्रेग्नेंट है। करण को रियलाइज़ होता है कि ये जेल वाले नए जन्मे बच्चों के साथ कुछ तो करते हैं, लेकिन उसे अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या। वही दूसरी ओर मैडॉक्स फिर से जॉन के साथ लड़ने लगता है। वो दोनों बहुत बुरी तरह एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। बाकी कैदी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वो भी अपने कैबिन से ये सब देख रहा है। करण को भी अपने फ्लोर से जॉन लड़ता हुआ नजर आता है। दोनों कैदी बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉन मैडॉक्स को नीचे गिरा देता है। पो जॉन को मैडॉक्स को मार देने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उल्टा उसे बचा लेता है। ये देखते हुए पो अब इस इशू को खुद ही हैंडल करना चाहता है। वो मैडॉक्स को मारने के लिए एक वेपन का यूज़ करता है, जिस वजह से उसका पेट फट जाता है। जॉन को मैडॉक्स के पेट में लगा हुआ डिवाइस ज़मीन पर पड़ा मिलता है। फिर वो चुपके से वह डिवाइस नीनो को दे देता है। उसके बाद गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में करण एक रूम में जाती है, जहाँ जॉन माइंड वाइप चेंबर नाम की एक बड़ी सी मशीन में लटका हुआ है। पो ने उसे जॉन के पास भेजा है ताकि वो जेल के और कोई नियम ना तोड़े। वो लोग कुछ देर के लिए बात करते हैं, पर गार्ड्स जल्दी ही करण को बाहर घसीट के ले जाते हैं। कुछ देर में ही उस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिस कारण जॉन हेलुसिनेट करने लगता है। जॉन के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने पो के ऑर्डर्स नहीं माने थे। जॉन धीरे धीरे पागल होने लगता है। उसे पुरानी चीज़ें फिर से याद आने लगती है। 3 दिन बाद पो करण को अपने चेंबर में इनवाइट करता है। वो ये देख के सरप्राइज्ड है कि जॉन अभी तक जिंदा है, क्योंकि आज तक कोई भी इस मशीन को 1 घंटा भी नहीं झेल पाया है। वो फिर करण से कहता है कि अगर करण उसकी लिव इन पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाती है तो वो जॉन को छोड़ देगा। करण के पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो भी हाँ कह देती है। जब जॉन अपने सेल में वापस आता है, वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो किसी से कोई बात नहीं करता और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वह करण ने पो के साथ रहना शुरू कर दिया है। एक रात करण अचानक से उठ के देखती है कि पो एक चेयर में बैठा है और उसके बॉडी से बहुत से वायर्स अटैच्ड है। यहाँ पता चलता है कि उसे एक मशीन की तरह मॉडिफाई किया गया है और वो एक एडवांस्ड ह्यूमन है। वो ना ही सोता है ना ही खाना खाता है। वो जिंदा रहने के लिए महीने में सिर्फ एक बार एमिनो एसिड लेता है। इस जेल में जन्मे सारे बच्चों को पो जैसा ही बनाया जा रहा है। उन बच्चों को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो सभी पो की तरह एक एडवांस ह्यूमन बन सके। ये सब करने का रीज़न ये है कि फ्यूचर में इंसानों को भूख से या ओवर पॉपुलेशन से बचाया जा सके। वो पहला बच्चा था जिस पर एडवांस ह्यूमन बनने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। करण ये सब सुन के पूरी तरह शॉक में है। 4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जॉन की कंडीशन अभी भी वैसी ही है। इब्राहिम उससे कहता है कि करण का पेट अब बड़ा हो गया है और जल्दी उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ये सुन के जॉन कोई रिएक्शन नहीं देता, पर उसके आँख से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। उस रात करण पो को चलाकी से अल्कोहल पिला देती है, जिस कारण वो नशे में बेहोश हो जाता है। फिर करण कंट्रोल पैनल में जाके जॉन के सपनों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। वो देखती है कि सपनों में बचपन का जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ है। वो छोटे जॉन की हेल्प कर उसे बाहर निकाल लाती है। ऐसा करते ही जॉन को होश वापस आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसके दोस्त ये देख के शॉक में तो है, पर जॉन के लिए खुश भी है। जॉन इब्राहिम से करण के साथ जेल से भागने के लिए हेल्प मांगता है। इब्राहिम को लगता नहीं कि ये पॉसिबल है, फिर भी वो जॉन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर इब्राहिम करण को जॉन के ठीक होने के बारे में बताता है। करण ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो कहती है कि वो इस जेल से निकलने का प्लान भी बना रही है और उसे भी इब्राहिम की हेल्प चाहिए। बाद में नीनो जॉन को वो डिवाइस दे देता है जो उसे मैडॉक्स के बॉडी से मिला था। उनका फ्रेंड डी डेज जेल में आने से पहले एक कंप्यूटर जीनियस हुआ करता था। वो उस डिवाइस को खोल के देखना चाहता है कि उसका यूज़ वो लोग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद करण को एक डायमंड जैसी दिखने वाली लेंस पो के केबिन से चुराते दिखाया जाता है। वो पकड़ी जाने वाली थी कि तभी करण वो डिवाइस अपने मुंह में छिपा लेती है। अगले दिन करण वो डिवाइस इब्राहिम को देके ये कहती है कि इसे जॉन को दे देना। इब्राहिम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, और फिर भी वो करण की हेल्प कर देता है। जॉन फिर उस लेंस से उनके सेल में लगे लेजर लाइट को पास करके देखता है तो उन्हें उस जेल का पूरा 3D मैप देखने लगता है। उन्हें दिखता है कि कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बनी हुई है वहाँ इस जेल से भागने का एक रास्ता है। अगली सुबह इब्राहिम वो लेंस पो के केबिन में वापस रख देता है। तभी पो करण से जॉन को डिवोर्स देके उससे शादी कर लेने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि वो उसके बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही पालेगा। वो तो जॉन को छोड़ देने का प्रॉमिस भी करता है। करण अपने बच्चे और पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है,
इसलिए वो पो की बात मान जाती है। वहीं दूसरी ओर डीडे ये पता कर लेता है कि इंटेस्टिनेट डिवाइस कैसे काम करती है। उस डिवाइस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ है जिस कारण उसे बाकियों के बॉडी से वो डिवाइस बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वो ये ट्राई भी करने लगते हैं लेकिन तब सरप्राइज हो जाते हैं जब ये ट्रिक काम कर जाती है। वो लोग जल्दी से सभी के डिवाइस बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन पो को जेड गर्ल के सिक्योरिटी फुटेज को देखने के लिए कहता है, जहां पो देखता है कि कैरन ने उसके लेंस को चुरा लिया था, फिर एब्राहम ने उसे वापस रख दिया था। पो ये देख के बहुत गुस्सा होता है कि उसे इतना बड़ा धोखा दिया गया है, और जेड उसे कह देता है कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है, इसलिए उसे अब ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी यहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते हैं। वो लोग अपने पेट के डिवाइस को कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पाइप में चिपका देते हैं और लड़ाई करने का नाटक करने लगते हैं। जेड को जैसे ही लड़ाई के बारे में पता चलता है वो उन्हें इंटेस्टिनेट करने की कोशिश करता है, जिस कारण सभी डिवाइस में धमाका हो जाता है, बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। पर तभी वो स्टीम वॉल्व्स को खोल देता है जिस कारण कैदी बाहर नहीं जा पाते। वो कुछ क्लोन्स को भी कैदियों के पीछे छोड़ देता है जो कि उन पर आग बरसाने लगते हैं। अब वो पाइप में पूरी तरह फंस चुके हैं। स्टिग नाम का कैदी पैनिक करने लगता है और वापस जेल में जाने की कोशिश करता है, पर क्लोन्स उसे मार गिराते हैं। इस बीच एब्राहम कैरन को वहां से निकालने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते पो उन्हें ढूंढ लेता है। वो एब्राहम को वहीं पे ख़त्म कर देता है और कुछ गार्ड्स को कैरन को वहां से ले जाने के ऑर्डर्स देता है ताकि वो लोग कैरन के बच्चे को भी एक एडवांस ह्यूमन में बदल सके। वही दूसरी ओर जॉन और बाकी मिलकर एक क्लोन को मार गिराते हैं और देखते हैं कि वो पो की तरह एक एडवांस ह्यूमन है। जॉन उसकी गन लेके बाकी क्लोन्स पर अटैक करने लगता है और वो सभी लड़ते लड़ते फिर से जेल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक एलिवेटर में चढ़ के ऊपर जाने लगते हैं। जेल के बाकी कैदी उन्हें भागता हुआ देख उनके लिए चीयर करने लगते हैं। वो फाइनली पो के चेंबर में पहुंच जाते हैं और कैरन से मिलने की मांग करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां लगे बड़े से स्क्रीन में डॉक्टर्स कैरन के बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन पो को ये ऑपरेशन रोकने के लिए कहता है, पर क्योंकि जेड ने पो को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया है, सिस्टम अब उसके ऑर्डर्स नहीं मानता। वहां लगी एक मशीन जॉन और उसके साथियों को पहचान लेती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर वो जल्दी से अपनी जगह पो को खड़ा कर देते हैं जिस कारण वो मारा जाता है। पो के मारे जाने के बाद डीडे कंट्रोल पैनल में जाके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो प्रोसेस कंप्लीट कर पाता एक क्लोन उसे शूट कर देता है। जॉन तुरंत उस क्लोन को मार देता है और डीडे अपनी बची हुई ताकत लगा के पूरे बिल्डिंग की बिजली गुल कर देता है। ये देखते हुए डॉक्टर्स भी ऑपरेशन रोक देते हैं। पूरे जेल का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होने लगता है और कैदी इधर उधर भागने लगते हैं। अब उनमें से सिर्फ जॉन और नीनो ही जिंदा बचे हुए हैं। वो दोनों कैरन को ढूंढने जाते हैं और उसे डॉक्टर्स के चंगुल से छुड़ा ले आते हैं। इसके बाद वो बाहर रखे एक ट्रक में बैठ के जेल से बहुत दूर निकल जाते हैं। वो तभी रुकते हैं जब वो बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको पहुंच जाते हैं। कैरन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली है कि तभी जिस ट्रक में वो यहाँ तक आए थे वो अपने आप हिलने लगता है। यहाँ पता चलता है कि उसे अभी भी जेल में लगा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। वो ट्रक नीनो को तुरंत मार देता है। ये देखते ही जॉन उसे लड़ने बाहर जाता है। वहीं कैरन अभी भी शेड में ही है। जॉन जेल से मिले वेपन से ट्रक पर अटैक कर देता है जिस कारण उसमें आग लग जाती है, लेकिन वो ट्रक शेड में जाके टकरा जाता है जिस कारण शेड में आग लग जाती है। जॉन को लगता है कि धमाके में कैरन और उसका बच्चा भी ख़त्म हो गए होंगे, पर जब वो पास जाके देखता है तो उसे दोनों शेड के साइड में सेफ मिलते हैं। वो दोनों ही इतने मुश्किल से पैदा हुए बच्चे को देख के बहुत खुश है।